हेलो फ्रेंड्स, फूडी दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई होप हमारी लास्ट ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली मैगी वाली वीडियो आप सभी को पसंद आई। वैसी ही एक नई इनोवेटिव रेसिपी आज मैं आपके लिए लाई हूँ, जो कि है वेजी ब्रेड पिज्ज़ा। ये बिल्कुल ओरिजिनल पिज्ज़ा वाले टेस्ट की लगेगी, आप डोमिनोज और पिज्ज़ा हट का पिज्ज़ा भूल जाएंगे, इतना टेस्टी ये बनेगा। मोर ओवर ये बहुत ही हेल्दी पिज्ज़ा भी है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में मैंने दो चॉप्ड प्याज लिए हैं। मैंने बड़े साइज़ की प्याज लिए हैं, अगर आप छोटे साइज़ की प्याज लें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा कैप्सिकम, इसको भी फाइनली चॉप कर लिया है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे एक बड़ा टमाटर, उसको भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। फ्रेंड्स इन्हें चॉपर में मत चलाइएगा, उससे बहुत छोटे छोटा चॉप हो जाता है, हाथ से चॉप करें हैं। अब इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये टोटल फिलिंग जो है ये हमारे 10 ब्रेड पिज्जास के लिए सफिशियंट रहेगी। तो आप इसे पहले अच्छे से सारी सब्जियों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर हमने इसमें डाला है। इसके बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। फ्रेंड्स नमक कमी रखिएगा, बिकॉज पिज्ज़ा सॉस में भी नमक होता है, तो कमी डालिएगा स्टार्टिंग में। इसके बाद हम इसमें आधी चम्मच के करीब चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला से बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है। इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स। आप चिली फ्लेक्स ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी करना है, बट 2 स्पून सफिशेंट रहता है, बिकॉज हम बाद में भी सीजनिंग करते हैं। इसके अलावा हम डाल रहे हैं 1 चम्मच ओरिगैनो। और फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आई वुड प्रेफर कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें, वो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए अच्छा रहता है। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें सारी तरफ अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर आएगी, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको खाने में। अगर आपको ऐसी एक और चीज़ी एंड हेल्दी रेसिपी देखनी है तो इस वीडियो के एंड में उसका पॉपअप आएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वो रेसिपी चीज़ी होने के साथ साथ बहुत ही प्रोटीन रिच भी है, आप उसे ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी सीजनिंग लगभग तैयार है, हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम एक स्पेशल सॉस रेडी कर लेते हैं जो कि हम हमारे पिज़्ज़ा में यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल लिया है। इस बाउल में हम 2 चम्मच के करीब पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ऐड करेंगे। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद मैं 2 चम्मच टोमेटो केचप डालूंगी इसमें, ये भी आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, आसानी से किसी भी जनरल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम इन दोनों सॉसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमाकर मिक्स करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज यूज़ कर रही हूँ, बाबा इन्हें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला रही हूँ। अब हम ये जो सॉस रेडी हुई है इसको अपनी ब्रेड पर लगाएंगे। यहाँ मैंने ब्राउन ब्रेड ली है। फ्रेंड्स आप ब्राउन ब्रेड की जगह मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं, होल व्हीट ब्रेड भी ले सकते हैं, या फिर वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अराउंड 1 स्पून के करीब एक स्लाइस पर अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी पिज़्ज़ा सॉस। हम यहाँ दोनों स्लाइसेस पर अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। एक बार में आप 2 या 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड को सॉस लगा के रेडी कर सकते हैं और उन्हें एक साथ तैयार कर सकते हैं। अब हम जो हमारा चॉप्ड वेजिटेबल का मिक्सचर था वो ब्रेड्स के ऊपर ऐड कर रहे हैं। हम दोनों ब्रेड्स के ऊपर इनको ऐड कर देंगे। आपको अगर ज़्यादा वेजीज खानी है तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिए, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पतली लेयर ही बनाएं, नहीं तो वो निकल के गिर जाती है। तो ये हमारी वेजिटेबल्स ऐड हो गए हैं अच्छे से। इसके बाद हमने ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ लिया है, इसको हम दोनों पिज़्ज़ास पर अच्छे से स्प्रेड कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी सीजनिंग करेंगे। सीजनिंग में हम डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरिगैनो। दोनों चीज़ें थोड़ा थोड़ा इस पे ऐड हो जाएंगी और फिर उसके बाद हम चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि है इन्हें सेकना। हमने यहाँ नॉनस्टिक तवा लिया है और उसे गरम कर लिया है। अब हम
बटर स्प्रेड कर रहे हैं इसके ऊपर। फ्रेंड्स बटर बहुत ही प्रॉपरली स्प्रेड करिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं स्प्रेड करेंगे तो ब्रेड नीचे से चल जाएगी जितनी देर में चीज़ मेल्ट होगी। अच्छे से बटर लगाने के बाद हम दोनों ब्रेड स्लाइसेस तवे के ऊपर रख देंगे। फ्रेंड्स हमें ना इसको नीचे से बहुत ही क्रिस्पी बनाना है, तो हम गैस को एकदम लो कर देंगे और इसको ढक देंगे, जिसकी वजह से ये जले ना बिल्कुल भी नीचे से। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जब तक कि चीज़ हमारी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसको ढके रखेंगे, और ये धीमी धीमी गैस पे धीरे धीरे चीज़ मेल्ट हो जाएगी, सारा फ्लेवर ले लेगी और नीचे से ब्रेड बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, हमने लिड हटा दी है और हमारा ब्रेड पिज्ज़ा एकदम तैयार है। क्रिस्पी टेस्टी एंड चीज़ी ब्रेड पिज्ज़ा, आप देख सकते हैं ब्रेड नीचे से एकदम क्रिस्पी थी और ये बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनके तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स आप बच्चों के लिए या आपके घर में गेस्ट आए उन लोगों के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको जो चीज़ी प्रोटीन रिच रेसिपी ट्राई करनी है तो आप लेफ्ट वाले लिंक पे क्लिक करें, और अगर आपको हमारी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली टेस्टी एंड हेल्दी मैगी ट्राई करनी है तो आप राइट वाली लिंक पे क्लिक करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।